झूठी रस्मों को नीलाम कराया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेदिक मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि रनिंग में ब्रह्मचर्य का क्या फ़ायदा है। दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम अपनी रनिंग में ब्रह्मचर्य का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसी के ऊपर मैं आज आपके ये वीडियो बना रहा हूँ, और पूरी जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भी बताऊँगा सच ही बताऊँगा, गलत नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक रनिंग का प्लेयर रह चुका हूँ। अपने जो जिस समय मैं पूरा युवा था, अभी भी युवा हूँ, परंतु जिस समय मेरी स्कूल की लाइफ थी उस समय मैं बहुत अच्छा एक प्लेयर था। अभी मेरी कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ में मैं बहुत अच्छा प्लेयर था। उस समय मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स थे, मैं स्टेट भी खेला, और अपना नॉर्थ जोन जो उत्तराखंड का नॉर्थ जोन पड़ता है उसमें आता है जम्मू कश्मीर, हमारा हरियाणा पंजाब, ये सब नॉर्थ जोन में हमारे आता है, तो उसमें भी हम खेले, उसमें भी हमारे सर्टिफिकेट आए, मेडल आए, गोल्ड भी मिला, सेकंड भी मिला, और थर्ड भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कितने मेडल है इसमें। जो हमारा केवी स्कूल का भी है, ये सिल्वर मेडल है, ब्रोंज भी है, केवी स्कूल में भी पढ़ते थे, तो ये सब इतने सारे। और सरस्वती विद्या मंदिर, ये सरस्वती विद्या मंदिर का हर खेलकूद प्रतियोगिता नैनीताल, और सब ये केवी के भी हैं। कोई इसमें गोल्ड है, देखो आप गोल्ड भी देख सकते हो, गोल्ड भी मेरे पास कई सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये स्टेट लेवल पर भी गोल्ड है, जोन पर नहीं है हमारे गोल्ड, जोन पर हमारा सेकेंड या थर्ड रह चुके थे। दोस्तों मैं आपको दिखाएं, हमारे पास सर्टिफिकेट देख रहा हूँ, जो खेल के सर्टिफिकेट है, हमें कुछ हमारी जो जाति होती है गुजर जाति, उसमें से भी हमें बहुत पुरस्कार मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे खेल के भी देखो, खेल के भी पुरस्कार हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं। आप कहो कि झूठ है, झूठ की कोई बात नहीं है, इसमें सर्टिफिकेट है जो हमारे गेम के हैं, देखे केंद्रीय विद्यालय का है, ये भारत शिक्षा समिति उत्तराखंड, ये विद्या भारती का है, सरस्वती विद्या मंदिर में विद्या भारती का है ये, और बहुत सारे सर्टिफिकेट दुनिया भर के देखो सर्टिफिकेट हमारे पास है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है। दोस्तों आप भी अगर ऐसा ही अच्छी रनिंग कर कर और गेम में जीतना चाहते हो, अच्छा हिस्सा लेना चाहते हो, ये देखो दोस्तों स्पोर्ट्स के हैं कितने सारे हैं, बहुत सारी ट्रॉफी हैं, ट्रॉफी भी हमारे पास बहुत सारी है दोस्तों, ट्रॉफी भी आप ऐसे कहेंगे कि कितनी सारी ट्रॉफी है, और आधी ट्रॉफी मैंने अपनी रख रखी है नहीं दी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्काउट गाइड का पुरस्कार है, राज्य पुरस्कार, आप जो स्काउट गाइड में होंगे उनको ही पता होगा कि राज्य पुरस्कार की कितनी वैल्यू होती है, ये भी हमने स्काउट गाइड का हमें प्राप्त है, और इसका हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, हमने आपको दिखाया भी था अभी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही सर्टिफिकेट्स और मेडल्स पाना चाहते हैं और अच्छी रनिंग करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा नाम अपना आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य करना होगा। आप एक बात समझिए, बहुत से जो हमारे युवा हैं और रनिंग करते हैं, अच्छा खेल करते हैं, कोई भी गेम हो, बॉक्सिंग हो, टाइक्वांडो हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, उसमें ये नहीं, ब्रह्मचर्य सब में बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। आप जैसे देखना कि आप बहुत से युवा जो गेम खेलते हैं वो पोर्न वीडियो भी देखते हैं, वो गलत चीज़ है, उसको छोड़ दोगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जैसे आप एक क्लास के बच्चे हैं और पांच बच्चे आप रोज़ रनिंग करते हैं और पांचों की रेस बराबर है, लेकिन आपने जिस दिन हस्तमैथुन कर लिया तो आप उनसे पीछे थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाएंगे, वो चार बच्चे आपसे आगे निकलना शुरू हो जाएंगे, वो आपको पीछे करते रहेंगे, आप पीछे होते रहेंगे, क्योंकि आपने आप हस्तमैथुन करते रहोगे पीछे होते रहोगे। और आप ब्रह्मचर्य कर देखो, फिर आप देखना उन चारों बच्चों से कैसे तेज़ी से आगे निकलते हो, बहुत तेज़ी से उनसे आप आगे निकलना शुरू हो जाओगे। अगर आप ऐसे निरंतर करते रहे तो आपकी एक साल के अंदर रनिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी और आपको दौड़ने में भी नंबर वन मजा आएगा, आप कहोगे कि हाँ कुछ है, और आपको जो जीवन दिनचर्या होगी आपकी अच्छी होने लगेगी। एक बात का खास ध्यान रखना, जो आपकी डाइट हो शुद्ध शाकाहारी हो, अच्छा खाना हो, दूध तो उसमें हो ही हो, बल्कि आप उसमें घी भी डालकर पी सकते हो, बाकी सब अलग, उसके ऊपर रनिंग की जो डाइट होती है वो मैं अलग से बता दूंगा। पर दोस्तों इस चीज़ पर खास ध्यान रखना कि शुद्ध शाकाहारी खाना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो रनिंग इतनी फाड़ू हो जाएगी कि जिसको कहेगा कि भागने में मजबूती आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जो हुसैन बोल्ट है ये कैसे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कैसे मेडल आ जाते हैं, बहुत से कहते हैं कि मास करते हैं, ऐसा नहीं है, ये केवल मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं,
ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पर इनके देश में ब्रह्मचर्य का कुछ अलग भाषा बोली जाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो मैं नहीं जानता, परंतु वो होता है। आप नेट पर सर्च करोगे वो दिखाया जाएगा सब चीज़। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप भी जीतना चाहते हैं, जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेडल कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, परंतु होता है अगर आपको किस प्लेस पे आना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत से देखा है कि नशे करके भागते हैं, वो भी नहीं जीत पाते। मेरे साथ भी ऐसा 1 से 2 बार हुआ है, परंतु मैंने उन्हें भी हराया है अपनी मेहनत से, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो ईश्वर आपकी मेहनत भी जरूर देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी अगर मेडल पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसलिए ब्रह्मचर्य हर गेम में जरूरी है, रनिंग में खास तौर से। और आप देखना कि आप 1 या 2 महीने में ही आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, और आप सब जो आपके साथ के युवा होंगे, दोस्त होंगे, उनको आप सब पीछे करने लगोगे। वो पूछेगा भाई क्या कारण है, आप बता देना कि यही कारण है। तो दोस्तों किसी का कोई पर्सन हो तो कमेंट कर जरूर पूछना।